आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से एटीएम मशीन के जरिए अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, एटीएम मशीन में जाते हैं और किसी और को अपना एटीएम कार्ड, पैसा, पिन नंबर बताते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा पैसा थोड़ा जमा कर दो। तो आप लोग भूल कर भी ये गलती न करें, क्योंकि आपको पता होगा जब भी ऑनलाइन से कॉल आता है तो कहता है कि भाई अपना एटीएम कार्ड नंबर बताओ, पिन नंबर बताओ, तो आपका जो सारा पैसा रहता है वो खा जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई और आदमी आपका डिटेल जानकर आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो आप लोग खुद जान सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आसानी से आप लोग एटीएम में पैसा जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एटीएम मशीन पर, और यहाँ पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले अपना एटीएम कार्ड यहाँ पर डाल दे, तो चलिए एटीएम कार्ड यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना कोई भी भाषा होता है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, अरबी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी, तो इंग्लिश में लिया। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड, जो भी एटीएम कार्ड का पिन कोड होता है यहाँ पे दर्ज करें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे यस कर दें या नो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ है नीचे, तो यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इसका जो मशीन है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना पैसा जितना भी है यहाँ सही से डाल दीजिए। तो चलिए मेरा पैसा इतना है, एक 500 का नोट है, यहाँ पे मैं डाल कर दिखाता हूँ किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैसा यहाँ पे गिनती होगा, तो थोड़ा वेट करना है। तो ये बंद हो चुका है, तो आप लोग आसानी से कर सकते, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाएगा कि आपका पैसा इतना जमा है। तो ठीक है, 500 रुपया मेरा जमा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है एक्सेप्ट पे, उसके बाद आपका जो पैसा है जमा हो चुका है। तो चलिए आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा आपके नंबर पे। तो आसान सा तरीके आप लोग इस तरह से आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर एटीएम कार्ड वापस लेना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करके अपना एटीएम कार्ड वापस निकाल लें। तो कितना आसान सा तरीका, आप लोग खुद करना सीख लीजिए, नहीं तो आप लोग पछताएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आसानी से सीख सकते हैं किस तरह से पैसा डिपॉजिट किया जाता है। तो मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।